मिली। बिल्कुल मीका जी, मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ। अभी आपने गुरपतन सिंह पन्नू का नाम लिया, ठीक से उसको जरा समझाइए मेरे दर्शकों को कि किस बात को लेकर के भगवंत मान और केजरीवाल में जो है तनातनी हुई है, भुल्लड़ वाले मामले में भी, और जो आपके डिब्रूगढ़ में बैठे हुए हैं उन जेल में, उनके बारे में भी प्लीज। देखिए जी, पंजाब में जब ये इलेक्शन आनी थी उससे पहले एक बेपन्नी छोड़ी हो गई। किसान एजिटेशन चल रहा था तो केजरीवाल जी ने वहां दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे किसानों को बिजली दी, क्योंकि दिल्ली में सरकार इनकी थी। सबसे पहली बात, बिजली किसानों को मिली, वहां पे एसी भी लग गए, किसानों ने तारे अपनी अपनी डाल के जी वहां इतनी बिजली, क्योंकि गर्मी का मौसम था, बिजली के बिना तो रह नहीं सकते थे किसान। तो इन बिजली बल यह पहले किसानों वाले पहले पहले वाले पहले आंदोलन वाला की बात किसान है, एजुकेशन, आंदोलन हाँ नंबर जी, वन। जी आंदोलन जो पहले वाला आंदोलन था उसमें जो बिजली मिली वो केजरीवाल जी की तरफ से हरियाणा में बैठे हुए दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को दिल्ली से बिजली आई। और इन बिजली बली वहां पे बहुत कुछ हुआ, गर्म ख्यालियों ने पैसा दिया जी, बहुत कुछ हुआ। और फिर शेल्टर भी इन्होंने किया जी वहां पे लोगों को, काफी किन्होंने केजरीवाल किन्होंने आम आदमी पार्टी ने वहां पे काफी जी हद तक, क्योंकि पहले कुछ लड़के पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया गया वहां पे। इंटरफेयर तो होता ही है थोड़ा सा पुलिस में, ज्यादा नहीं तो देखिए मुख्यमंत्री हैं, फिर भी जीता हाँ, हुआ कोई ज्यादा भी नहीं तो इंसान है थोड़ा अंदर थोड़ा। में, थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है ना जी। और उसके बाद ये गुरपतवंत पन्नू ने लास्ट में वीडियो जारी करके कहा कि जी हमने फंड किया था केजरीवाल को इतने मिलियन डॉलर इसकी पार्टी को, तो एक सौ आप भी तैतीस समझ सकते करोड़ हैं। हाँ जी हाँ, बहुत ज्यादा एक सौ भारी मात्रा तैतीस में, करोड़ वो तो 133 करोड़ तो बोल रहा है ना जी, फंडिंग तो बहुत तकड़ी आई हुई है, ऐसे थोड़ी पार्टी खड़ी होगी। देखिए अडानी जी जी अंबानी ने इनको फंडिंग अच्छा, दी थी, आपका आपका मतलब कि इससे भी बड़ी फंडिंग हुई हुई है, टेरर फंडिंग जो इनको बिल्कुल की है केजरीवाल को। देखिए जी, अडानी अंबानी ने इनको फंडिंग नहीं की, सहारा ग्रुप ने नहीं की, किसी और बड़े ने नहीं की इनको फंडिंग, तो पार्टी ऐसे कैसे खड़ी हो जाएगी। कोई पार्टी हमने नहीं बनानी, कोई अपने घर की आम आदमी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी खड़ी हो गई, दो स्टेटों में तो सरकार बन गई इनकी। तो पंजाब का क्या था कि पंजाब काफी आतंकवाद से प्रभावित है अभी तक भी, गर्म ख्याली इसमें है। तो पंजाब के लोगों को जो मैसेज आते थे, जो बाहर से कॉल आती थी, वो गर्म ख्यालियों की आती थी जी, आम आदमी पार्टी को वोटिंग करो। हमारे पंजाब में जो किसान एजिटेशन में फर्स्ट में भी और सेकंड में भी पैसा आ रहा था, वो भी बाहर से आ रहा था, काफी कुछ एनआईए के पास अब तो आ चुका है। तो उन गुरपतवंत पन्नू ने लाइव होकर कह दिया जी, केजरीवाल जी से हमने कहा था देवेंद्र पाल भुल्लर को छोड़ दो, तो जब से हो गया अमृतपाल वाला सीन, देवेंद्र पाल भुल्लर की फाइल अभी केजरीवाल जी के पास पड़ी है, जब से देवेंद्र पाल भुल्लर वाली काम खत्म हो गया उसके पास हो गया ये अमृतपाल वाला। अमृतपाल को शेल्टर किया गया पंजाब में, एक आदमी एयरपोर्ट पे आ रहा है जी, दाढ़ी केस है नहीं उसके, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी कटी हुई रखी, मेरी जितनी इतनी दाढ़ी थी उसकी, तो 3 महीने में उसकी दाढ़ी बड़ी हो गई जी, उसको शेल्टर किया गया, कहीं भी उसका फोन चल रहा था, वो शरेआम असला लेके गन्स लेके पंजाब में घूम रहा था। तो वो उस टाइम घूम रहा था जब इन्होंने पंजाब की सरकार ने कह दिया था अगर किसी ने वेपन लेके फेसबुक या ट्विटर पे या कहीं आप बात इंस्टा कर पे रहे वीडियो हैं डाली, उसकी, डिब्रूगढ़ वाले की जो जेल में है, अमृतपाल डिब्रूगढ़ की अमृतपाल सेतु, जी, वो तो अमृतपाल उस को भी टाइम इन लोगों ने शेल्टर किया था, आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल जी, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए 5 5 साल के बच्चों के ऊपर के वो गन लेके फेसबुक पे वीडियो अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो जो शरेआम 40 50 गन्स लेके फिर रहा था बिना लाइसेंस के, उसको कुछ नहीं कहा इन्होंने, इनको दिख नहीं रहा था जी कल को ये भिंडरांवाला बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये चाहते थे कि लोगों का ध्यान भटकाए रखे, क्योंकि वो बोलता था सेंटर हुकूमत की तरफ, बीजेपी की तरफ, वो सेंट्रल सरकार दिल्ली की बातें करता था, उसने पंजाब की आम आदमी पार्टी के बारे में तो एक लफ्ज भी नहीं बोला, जहां वो बोलता था कांग्रेस के, जहां वो अकाली दल को कह देता था कभी कभी, नहीं तो उसका एक ही मोटिव था जी, मोदी अमित शाह जी, मोदी जी अमित शाह जी, बीजेपी सरकार सेंटर सरकार, वो हुकूमत के बारे में दिल्ली की सरकार के बारे में बात करता था भाई। अकाल तख्त को ढेरी किया 1984 में कांग्रेस ने किया है, तो बीजेपी ने नहीं किया था, फिर उसको टारगेट क्यों कर रहे हो? नहीं, क्योंकि तो जो इनकी सेंटर इनकी बनाए थे, हाँ अमृतपाल को जी, लेकर के, अमृतपाल को लेकर जब के इस इनकी तन कैसे गई केजरीवाल की और अरे इनकी भगवंत मान की।
मैं बताता हूँ जी, इनका कैबिनेट मिनिस्टर है, परसों की बात है, जी ये मीत हेयर है इनका कैबिनेट मिनिस्टर, संगरूर से इलेक्शन लड़ रहा है, उसको कुछ लोगों ने घेर लिया। हमने जी आपसे क्वेश्चन करना है, आपने जी अमर सरकार को डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया, पकड़ा क्यों, क्या कसूर है इसका? जो कहता हमने थोड़ी पकड़ा जी, बीजेपी ने पकड़ा, सेंट्रल सरकार ने पकड़ा। उसका कहने का मतलब यही था कि हमने तो उसको खुली छुट्टी दे रखी थी जी, पकड़ा तो उन्होंने, तो बस यही था कि जिस दिन उसने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, उससे पहले उसने बहुत बड़े धरने दिए, वो शर्म स्पीचे दे रहा था, खालिस्तान की बात कर रहा था, यहाँ हमारे कोई खालिस्तान लिख दे ना कंध पे, दीवार पे लिख दे, तो उसके उसको पकड़ के उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला देते हैं जी। वो बड़ी बड़ी स्पीचे कर रहा था जी, हमें दक्षिण राज चाहिए, हमें, हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं जी, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे आके बोल रहा था, उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो पंजाब में बैठा था। तो जब पुलिस स्टेशन से जाके उसने आदमी को छुड़वाने की कोशिश की, वहां पे एसएसपी साहब के सामने बैठा बोल रहा था, निकालो पिस्तौल अपनी, मारो मेरे गाड़ी, उसकी क्या कहा थी, इतना बड़ा कानून से ऊपर होने का तो शेल्टर बंद कर रहा था जी, ऊपर से फोन आया हुआ था, इसको कुछ नहीं कहना, जो कुछ कर रहा है करने दो। भगवंत मान जी का फोन आया हुआ था, यू मीन? सीधे ये जी, जब पुलिस डिपार्टमेंट है उनके पास, तो सीधा एसएसपी साहब को तो कॉल आई होगी ना जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो एसएसपी साहब हैं जो, सत्येंद्र जी सिंह जी, और मैं उनके बारे में जानता हूँ, आईपीएस है वो, ऐसे चाहे 20 आदमी होते वहां पे, अगर कोई गिनती बता रहा है 50,000 लोग थे, 1 लाख लोग थे, चाहे 5 लाख लोग होते, कोई उनकी तरफ उंगली उठा के बोल के तो दिखाता, तो वो कहते सुन रहे थे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे कर रहे थे। तो इसके किसी बीच में ही ऊपर से जब जो पुलिस स्टेशन वाली घटना हो गई, तो दिल्ली से भगवंत मान को कॉल आ गई जी, अमित शाह जी की, कि आ जाओ भाई ऊपर। वो गया तो उसको बोला गया कि मैं 18 कंपनियां दे रहा हूँ, इस भिंडरांवाले को अभी पकड़ लो, अच्छा ठीक है जी, तो पकड़ लिया जी, वही ऑफिसर थे उसको पकड़ने वाले, वही ऑफिसर थे बैठने वाले, भगा भगा के, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इसका जो कह रहे थे हम ऐसा कर देंगे, अमृतपाल तेरे पीछे जान दे देंगे, एक प्रधानमंत्री नाम का लड़का था, उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो खेतों में भाग रहा था, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। तो सीधा सीधा केजरीवाल से तो पूछ के नहीं आया भगवंत मान, नहीं हम अमृतपाल को पकड़ने लगे, भगवंत मान को पता है कि कल को जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना सेंटर को, तो यहाँ पे आके जी उसको पकड़ा गया, अमृतपाल को डिब्रूगढ़ भेज दिया गया। तो इसी बात से लेकर इनके बीच में खटापटी होगी आपस में, इनकी बोलचाल हो गई, भाई तुमने मुझसे बात ही नहीं की, तुमने कंपनियां लेके अमृतपाल को पकड़ दिया, कोई और हल कर देते थोड़ी देर के लिए, इसको चुप करवा देते, कुछ ना कुछ तो हुआ ना ये पंजाब में। तो भगवंत मान तो पहले ही खिज रहा था इनसे, औखा होया बैठा जी भगवंत मान था, कि मेरी चलती तो है नहीं, मैं अपनी मर्जी से अफसर नहीं बदल सकता, तो तो इसी वजह से केजरीवाल ये दोनों चाह में रहे होंगे कि तनातनी बढ़ वो गई। बिल्कुल अपना मामला शांत हो जाए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी, इस इलेक्शन में भी केजरीवाल को पता था जी हमें गर्म चने की बूटे मिल जाएंगी। अब पंजाब में ऐसे हालात बना के रख दिए इसने, केजरीवाल भगवंत मान की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने, के जी 3 सीटें गर्म ख्याली जीत रहे हैं पंजाब की, 3 सीटें, अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बैठा हुआ सीट जीत रहा है, करूर साहब वाली, अगर मैं झूठ नहीं कहूंगा तो 3-4 लाख वोटों से जीतेगा वो, पंजाब का ये माहौल बना के रख दिया इन्होंने, 2 सालों में आतंकवाद चरम सीमा पे लाके खड़ा कर दिया, सीधी बात है जी। अमृतसर में मर्डर हुआ है शिवसेना के नेता का, सूरी का, सुधीर सूरी का, वो जिस लड़के ने किया उसका नाम था संदीप सिंह, वो अमृतपाल के पास सिर्फ 2 बार गया, तो वो लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था उससे पहले, वो अपनी एक गारमेंट्स की शॉप चलाता था अमृतसर में, तो जिस उसके पास वेपन था 6 गोली वाला रिवॉल्वर था, तो जिस दिन सुधीर सूरी वहां पे आके सामने बैठा, उस सुधीर सूरी के पास 18 पुलिस वाले गनमैन थे जी, और वहां पे जहां बैठा हुआ था वहां पे डीएसपी साहब थे, 5 SHO खड़े थे जी, उनके मतलब 100 मुलाजिम होगा कहीं पुलिस का, उसके बीच में वो अकेले लड़के ने आके उसको गोलियां मार दी, तो वो मर गया। और आतंकवाद क्या होता है जी, और स्टार्ट हुए आतंकवाद की हम क्या मान ले, कि एक आदमी 2 बार जी अमृतपाल को मिला, उसने एक आदमी को मार दिया 100 पुलिस मुलाजिम के बीच में, जिनके पास AK-47 भी थी, सभी के पास कम से कम, वहां डीएसपी खड़े थे, इंस्पेक्टर रह के खड़े थे, 18 मुलाजिम उसके पास थे गनमैन, तो आतंकवाद तो इन्होंने ला दिया, संगरूर साहब वाली सीट अमृतपाल जीत रहा है जी, संगरूर वाली सीट सिमरजीत सिंह मान जीत रहा है, पहले भी वो जीता पिछली बार भी,
एमपी, तो उसका नारा क्या है जी? मैं खालिस्तान बनाऊंगा, सिमरजीत सिंह मान का भी नारा है। तो तीसरी सीट हो गई जी वहां की फरीदकोट वाली, वहां भगवंत मान ने अपना दोस्त खड़ा कर दिया, पंजाबी फिल्मी कलाकार है करमजीत अनमोल। इससे पहले वहां पे मोहम्मद सदीक कांग्रेस के जीते हुए थे, लेकिन ये पिछले एक हफ्ते में वहां पे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा था, बेअंत सिंह का बेटा वहां पे खड़ा है जिसका नाम है जसविंदर सिंह, ओ सॉरी सरबजीत सिंह, उसकी बेब इतनी बड़ी चली क्योंकि उनके दो बेटे हैं ना जसविंदर सिंह और सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह वहां से खड़ा है और उसकी कल तक की और आज तक की ऐसी बेब चली है कि करमजीत अनमोल को अपना दोस्त फिल्मी एक्टर गिप्पी गरेवाल स्पेशल तौर पे उसने फरीदकोट में ही रख लिया कि भाई मैं हार गया, 3 4 दिन रहते हैं मेरे लिए प्रचार कर जाओ, अपना काम छोड़ दो, सारे सारे दोस्त मित्र वहां पे कलाकार इकट्ठे कर लिए। लेकिन तीसरी सीट फरीदकोट वाली भी गर्म ख्याली को जा रही है, 13 में से 3 सीट गर्म ख्याली ले जाएंगे तो पंजाब के पल्ले क्या रहेगा जी? तो सीधा परसेंटेज में देख लीजिए, 3 सीटों पे वो जीत जाएंगे और बाकी सीटों पे वो तीसरे चौथे दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो पंजाब में तो आतंकवाद आ गया ना, तो 2 सालों में इन्होंने आतंकवाद तो खड़ा कर दिया, जो कुछ पन्नू का था वो तो खड़ा कर दिया। भगवंत मान को अब लग रहा है कि जी मेरी कुर्सी गई, आतंकवादी यहाँ आतंकवाद पैदा हो गया, मैं कैसे जीतूंगा अकेला, तो उसको किसी की जरूरत तो है ना। तो वो चला गया जी बीजेपी के पास, तो केजरीवाल जी को यही बात चुभ रही है कि मैंने जिनसे वादा किया नहीं, था ये काम भगवंता करने का। भगवंत मान अभी बीजेपी के साथ कहाँ गए हैं? अभी तो वो केजरीवाल के साथ ही हैं। अगर कभी मंत्र मान गया ना होता तो अमृत पान अंदर ना होता जी। अगर कभी तो मंत्र इसका मान केजरीवाल जी की बात मानता ना जी तो अमृत पाल आज अंदर ना होता। भगवंत अच्छा मान ने मानी बीजेपी की बात, अमित शाह जी की, उन्होंने दी इसको 18 टुकड़ी फौज की, तभी उसको पकड़ा, 18 टुकड़ी मिलने के बाद उसको पकड़ा जी। तो सीधा सीधा बीजेपी के साथ इसने इंटरनली हाथ मिलाया, बीजेपी की बात मानी, तभी से ये केजरीवाल जी दुखी है, बनाने वाला इसको मैं। जबकि ये अगर सरकार पंजाब में आई तो भगवंत मान के मुंह उसका चेहरा देख के आई है, जब केजरीवाल का चेहरा देख के नहीं आई पंजाब में सरकार।